हैं प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है बोलो भाई कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स, लेसन 9, आपकी क्लास 3 से। तो बच्चों, इससे पहले हम एडिशन का एक चैप्टर कर चुके हैं यानी जमा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार जमा ही हमें मदद करता है गुणा करने में। चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, हो जाइए तैयार अपनी क्लास की एक्टिविटी के लिए। मजा आता है ना एक्टिविटी करने में। मुझे भी बहुत मजा आता है आपको एक्टिविटी करवाने में। आइए अब हम कुछ आमों की संख्या गिन लें। देखते हैं, पहले ग्रुप में 4 आम, दूसरे ग्रुप में भी 4, तीसरे में भी 4, हो गए टोटल कुल मिला के 12 आम। अब मीरा मुर्गी जो थी उसके घोंसले में कुल कितने अंडे हैं, चलिए देखते हैं बार बार जोड़कर। एक घोंसले में 4 अंडे हैं बच्चों, फिर 4, फिर 4 और फिर 4, यानी 4 घोंसलों में कुल कितने अंडे हुए, 16। चलिए आगे गिनते हैं। मेरे बगीचे में कुल कितने फूल हैं जिन्हें मुझे पानी देना है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर गमले में 2 फूल लगे हैं और कुल गमले यहाँ पर हैं हमारे पास 10। तो 10 गमलों में कुल मिलाकर 20 फूल लगे हैं, देख पा रहे हैं ना आप। इसी प्रकार जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे हाथों में उंगलियां हैं कुल 5, और अगर 3 हाथ होंगे तो कुल मिलाकर 3 हाथों की उंगलियां हो जाएंगी 15। 5 जमा 5 जमा 5, 15। 5 अपने आप को बार बार 3 बार रिपीट कर रहा है। तो बच्चों, अब आपको बिना गिने भी संख्या का पता लगाना है। चलिए देखते हैं क्या आप कर सकते हैं बिना गिने। यहाँ दे रखा है कि 4 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में 6 फूल हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुल कितने फूल हैं। चलिए, ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार पहाड़े बनाते हैं और पहाड़ों का उपयोग हम करते कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे 2 के पहाड़े से। चलिए बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे सभी, 2 1 2 2 2 4। और वहीं जब 2 बार होता है तो 2 और 2 मिलाकर हो जाते हैं 4। तो बच्चों, इस प्रकार बनता है हमारा टेबल। मजा आया ना टेबल सीखने में। पूरा टेबल आप मैम को लर्न करके सुनाइएगा। अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से टर्रू मेंढक जो है कूदता गया और एक टेबल बनाता गया। पहले खुदा 3 6 9 12 15 और 18, और फिर 21 24 27 30 33 और 36। तो किसका पहाड़ा बनाया, 3 का पहाड़ा, है ना। तो हमने देखा बच्चों, 3 का पहाड़ा बनाने में 3 3 नंबर का गैप आया। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं कि 5 का पहाड़ा बनाने में कितने नंबर का गैप आता है, 5 10 15 20 और फिर 25 30 35 40 45 50 55 और 60। तो बच्चों, देखा आपने पहाड़े बनाना कितना आसान है। सिर्फ उतने नंबर का गैप ही तो देना है जिसका पहाड़ा बनाना है। चलिए अब हम गुणा करो और पेड़ भरो की एक्टिविटी करते हैं। बच्चों देखो, 80 यहाँ दिया गया है। अब 80 किन 2 अलग अलग संख्याओं को गुणा करके बन सकता है वो भी आपको दिखाया गया है। आगे ऊपर 24 आपको दिया गया और आपके लिए ये प्रश्न छोड़ा गया है कि किन 2 संख्याओं को गुणा करके 24 बन सकता है। क्या कहा, आप कर लोगे, वेरी गुड, सारे करके दिखाइएगा अपनी अध्यापिका को। एक पेंसिल 5 रुपये की आती है बच्चों, तो 4 पेंसिलें कितने रुपये की आएंगी। बहुत ही आसान है बच्चों, जितनी पेंसिलें और उनके रुपए आपस में गुणा कर दो तो आ जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चों पैटर्न पूरा करना है आपको। आपको टर्रू मेंढक तो याद ही होगा, 3 6 9। अगले आपको बताना है टर्रू मेंढक किस पे कूदा था। ऐसे ही आगे और भी सवाल हल करने हैं आपने। जैसे एक बच्चे को 2 टॉफी दी गई बच्चों, तो यदि कक्षा में 34 बच्चे हैं तो उनको कितनी टॉफियाँ बटी। अरे 34 को 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। लेकिन गुणा करने का नया तरीका देखते हैं बच्चों।
जैसे एडिशन वाली वीडियो में आपको ध्यान होगा, मैंने संख्या को तोड़ना सिखाया था जीरो के फॉर्म में, एस्टिमेटेड फॉर्म में। यहाँ पर भी 34 को मैं तोड़ दूंगी 30 और 4 एस्टिमेटेड फॉर्म में। 30 एक जगह, 4 एक जगह, और 2 से गुणा करना है तो पहले मैं 30 से करूंगी और फिर 2 को 4 से। तो मेरा जो 30 से गुणा करने पर आया 2 को, वो 60, और 4 से गुणा करने पर आया 8। अब जो मेरे पास दो जवाब आ गए हैं 60 और 8, उन्हें मैं जोड़ दूंगी। तो जो मेरा फाइनल आंसर है 34 को 2 से गुणा करने पे बच्चों, वो आया 60 जमा 8 68। उम्मीद है आप सब प्रश्न अब हल कर लेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते, तब तक सभी प्रश्न हल करके रखिएगा। बाय।